हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ललित कुमार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंसरी इश्यूज इन ऑटिज्म, ADHD या SPD एंड सेंसरी डिसफंक्शंस। तो सेंसरी इश्यूज पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेंसरी सिस्टम्स को। हमारे 7 सेंसरी सिस्टम्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंसरी सिस्टम को। पहला होता है हमारा विजुअल, दैट इज़ फॉर विजन। फिर ऑडिटरी, दैट इज़ फॉर हियरिंग। फिर टैक्टाइल, दैट इज़ फॉर टच। फिर प्रोप्रोसेप्टिव, दैट इज़ फॉर बॉडी अवेयरनेस। वेस्टिबुलर, दैट इज़ फॉर मूवमेंट। टेस्ट एंड स्मेल सेंसरी सिस्टम। तो ये 7 सेंसरी सिस्टम्स होते हैं। अब इन 7 सेंसरी सिस्टम्स के अफेक्ट होने से बच्चों में कुछ कॉमन स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स आते हैं। जैसे विजुअल इफेक्ट होने से बच्चे के फ्लिकरिंग फिंगर्स आते हैं। हम देखते हैं बच्चों में लाइनिंग अप टॉयज होता है, स्पिनिंग अप टॉयज होता है। ऑडिटरी की वजह से बच्चों में स्क्रीमिंग बिहेवियर्स आते हैं, बच्चा हमिंग शो करता है, सिंगिंग करता है, अनयूजुअल वोकलाइजेशन। टैक्टाइल में बच्चा टचिंग करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रब करता है, स्क्रैच करता है, च्यूइंग नेल्स, ये सब स्क्रीमिंग बिहेवियर शो करता है। टेस्ट एंड स्मेल में वही बच्चा लिकिंग या फिर स्मेल करता है ऑब्जेक्ट्स को, अपने या फिर अदर के बॉडी पार्ट्स को। वेस्टिबुलर में बच्चा रॉकिंग करता है, स्पिनिंग करता है बॉडी की, पेसिंग करता है। प्रोप्रोसेप्टिव में बच्चा टूथ ग्राइंडिंग करता है, बाइटिंग करता है, च्यूइंग करता है, बॉडी स्रैमिंग करता है एंड क्रशिंग करता है। अब सेंसरी इश्यूज 2 तरह के होते हैं। हर एक सेंसरी सिस्टम में सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं और अवॉइडिंग बिहेवियर्स होते हैं। हम हर एक सेंसरी सिस्टम को अलग अलग सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं टैक्टाइल सेंसरी सिस्टम से। तो टैक्टाइल सेंसरी सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट स्टिमुलाई पर बच्चा इन्जॉय करता है। सीकिंग में बच्चा इन्जॉय करता है, लेकिन वहीं अवॉइडिंग में बच्चा उसे अवॉइड करता है, उसको यक फीलिंग होती है। मैसी में वही बच्चा सीकिंग में इन्जॉय करता है, सीकिंग बच्चा मैसी चीज़ों पर बच्चा जाता है, अट्रैक्ट होता है, बट लेकिन अवॉइडिंग में बच्चा उसे अवॉइड करता है। टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर में बच्चा टाइट पैंट्स प्रेफर करता है, बट अवॉइडिंग बच्चा लूज पैंट्स प्रेफर करता है, टाइट को अवॉइड करता है। टिकलिश सेंसेशन की अगर हम बात करें तो सीकिंग में बच्चा टिकलिश नहीं होता है, बट अवॉइडिंग बच्चा एक्सट्रीमली टिकलिश होता है। क्राउच की अगर हम बात करें तो सीकिंग टैक्टाइल सेंसरी सिस्टम में बच्चा क्राउच को इंजॉय करता है, वो पसंद करता है क्राउच में जाना, बट अवॉइडिंग बच्चा पसंद नहीं करता, वो अवॉइड करता है। टेस्ट एंड स्मेल सेंसिटिविटी। टेस्ट एंड स्मेल सेंसिटिविटी में वही सीकिंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर्स होते हैं। अब बच्चा पर्टिकुलर स्मेल्स को जो वो रोज़ जो उसके रेगुलर रूटीन्स में आ रही हैं, सीकिंग में बच्चा वो तो छोड़े इवन ओट स्मेल्स को भी इंजॉय करता है, उसे वो भी स्मेल्स उसे सीख करता है बच्चा। बट अवॉइडिंग में बच्चा उन अपनी रेगुलर स्मेल से ही पर्टिकुलर स्मेल्स को भी अवॉइड करता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है। स्केपिज्म की अगर बात करें हम स्मेल्स पर, तो बच्चा सीकिंग में बिल्कुल भी उसको स्केप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा इन्जॉय कर रहा होता है। बट अवॉइडिंग में बच्चा फ्लाइट या फाइट मेथड यूज़ करता है स्केपिज्म के लिए, या तो भाग जाएगा या फिर लड़ेगा उसको अवॉइड करने के लिए। गैग्स में स्मेल्स पर गैग्स बच्चा रिएक्ट करता है, सीकिंग में बच्चा बिल्कुल भी गैग नहीं शो करता, बट अवॉइडिंग में ऑफकोर्स गैग्स आते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मेल्स में सीकिंग बच्चे को ट्रबल होती है स्मेल आइडेंटिफाई करने, बट अवॉइडिंग में बच्चा स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। वेस्टिबुलर सेंसरी सिस्टम, यहाँ भी वही सीकिंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर्स होते हैं। तो सिटिंग टॉलरेंस, सीकिंग में बच्चे का सिटिंग इंटॉलरेंस होता है, बच्चा नहीं बैठ सकता ज़्यादा देर, बट अवॉइडिंग में बच्चा बैठ सकता है। रिएक्शन टूवर्ड्स मूवमेंट, सीकिंग में बच्चा इंजॉयबल होता है उसका मूवमेंट पर रिएक्शन, इंजॉय करता है मूवमेंट को, बट अवॉइडिंग में स्केरी रिएक्शन होते हैं बच्चे के। एलिवेटर्स की अगर हम बात करें तो सीकिंग का बच्चा इंजॉय करता है, ही सीक्स फॉर मोर एलिवेटर्स, बट अवॉइडिंग का बच्चा फियरफुल होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो सीकिंग में बच्चा इवन रन करता है, नॉर्मल वॉकिंग तो क्या रनिंग बच्चे करता है, अवॉइडिंग में भी बच्चा अनकोऑर्डिनेटेड वॉक होती हैं या क्लम्सी मूवमेंट्स होती हैं। स्टबननेस फॉर मूवमेंट या फिर उसको अवॉइड करने के लिए सीकिंग बिल्कुल भी नहीं होती हैं स्टबननेस, क्योंकि बच्चा मूवमेंट इंजॉय करता है, बट अवॉइडिंग में वहीं बच्चे में हम देख सकते हैं कि स्टबननेस बिहेवियर्स होते हैं। प्रोप्रोसेप्टिव सेंसरी सिस्टम, यहाँ भी अगेन सीकिंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर्स होते हैं। लेजीनेस, सीकिंग बच्चा लेजी नहीं होता, अवॉइडिंग बच्चा लेजी होता है। रनिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग, सीकिंग बच्चा एक्सट्रीमली करता है, विद एक्सट्रीम फोर्स करता है, अवॉइडिंग बच्चा अवॉइड करता है। ईटिंग बिहेवियर्स,
सीखेंगे बच्चे के गुड ईटिंग बिहेवियर्स होते हैं, ही इज़ गुड एट ईटिंग्स, अवॉइडिंग में पीकी ईटर होता है। क्लोदिंग की अगर हम बात करें, सीखेंगे बच्चा टाइट क्लोदिंग प्रेफर करता है, वही अवॉइडिंग सेंसरी सिस्टम में बच्चा लूज क्लोथ्स प्रेफर करता है। सिटिंग टॉलरेंस की बात करें तो सिटिंग सीकिंग बिहेवियर्स में नहीं होता, अवॉइडिंग में होता है। माउथिंग की बात करें तो सीकिंग बच्चे की माउथिंग बहुत ज़्यादा हमें दिखती है, इवन क्लोथ्स पेंसिल फिंगर्स को बच्चा माउथिंग करता है, अवॉइडिंग में माउथिंग बिहेवियर्स नहीं होते हैं। विजुअल सेंसिटिविटी, ब्राइट लाइट्स की अगर हम बात करें तो बच्चा सीकिंग में एंजॉय करता है ब्राइट लाइट्स को, वहीं अवॉइडिंग में बच्चा अवॉइड करता है, ही डज नॉट एंजॉय इवन हैनी लाइट और एनी ब्राइट लाइट। शीरो स्क्विंट्स सीकिंग में बच्चे के नहीं होते हैं क्योंकि बच्चा वहीं लाइट को देखना चाहता है तो बच्चा प्रॉपरली उस पर स्टेयर करता है, वहीं अवॉइडिंग में बच्चे के शीरो स्क्विंट्स आ सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो विजुअल स्ट्रिंग में बच्चा स्पिनिंग को, जैसे मैंने अभी स्ट्रीमिंग हमने डिस्कस किया था, बच्चा स्पिनिंग ऑब्जर्व करता है, तो इसलिए सीकिंग बिहेवियर्स में होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना, लेकिन अवॉइडिंग में बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पर अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस बच्चे का सीकिंग में ट्रबल्ड होता है, उसे मुश्किल होती है उसे फोकस करने में, अवॉइडिंग में क्वाइट ईजी हो, इट्स क्वाइट ईजी। डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन में सीकिंग बिहेवियर में बच्चा एबल होता है डिस्टेंस ऑब्जर्व करने में, बट अवॉइडिंग में अनएबल होता है। ऑडिटरी सेंसरी सिस्टम, अगर हम नॉइज़ की बात करें, एक एक्सट्रीम नॉइज़ की अगर हम बात करें तो सीकिंग में बच्चे को कोई इशू नहीं होता, वो नॉइज़ को बियर कर लेता है, बट अवॉइडिंग में बच्चा क्राई करता है या स्क्रीम करता है नॉइज़ पर। लाउड म्यूज़िक में बच्चा सीकिंग में प्रेफर करता है, अवॉइडिंग में वही उसका क्राई या स्क्रीमिंग बिहेवियर हो सकता है। टॉयलेट फ्लशिंग साउंड या फिर वाटर फ्लोइंग साउंड पर सीकिंग में बच्चे का नॉर्मल रिएक्शन होता है, अवॉइडिंग में वही उसे अवॉइड करता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे देखने में, या फिर अगर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी होगी तो बच्चा वहाँ से भाग सकता है। डॉग बार्किंग में सीकिंग बच्चा एंजॉय करता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, या कई बार बच्चा वही साउंड इमिटेट करता है डॉग के आगे। अवॉइडिंग में बच्चा क्राइज और स्क्रीमिंग बिहेवियर करता है डॉग बार्किंग पर भी। हेयर ड्रायर में बच्चा सीकिंग बच्चा उसे एंजॉय कर सकता है या नॉर्मल रिएक्शन दे सकता है, बट अवॉइडिंग में वही बच्चा क्राई करता है या स्क्रीम करता है। अब आते हैं ओरल सेंसिटिविटी पर, पेरेंट्स का एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और जिनमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ। फूड टेक्सचर्स बच्चा सीकिंग में बच्चा क्रेव करता है फॉर सर्टन फूड जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर्स के लिए। हम देखते हैं कई बच्चे सॉफ्ट टेक्सचर्स को लाइक कर रहे हैं, वहीं कई बच्चे हार्ड टेक्सचर्स को लाइक कर रहे हैं, क्रशी टेक्सचर्स को लाइक कर रहे हैं। अवॉइडिंग में बच्चे इवन सर्टन टेक्सचर्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं कोई भी टेक्सचर नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, बट ये जो फूड टेक्सचर्स होते हैं, अगर हम फूड टेक्सचर्स की बात करें तो फूड टेक्सचर्स में बच्चे का अवॉइडिंग या सीकिंग बिहेवियर पर्टिकुलर टेक्सचर्स पर हो सकता है, कुछ बच्चों का स्मूथ पर हो सकता है, कुछ बच्चों का रफ पर या क्रंची पर हो सकता है। इंट्रोडक्शन टू न्यू फूड आइटम्स सीकिंग बिहेवियर्स में इट्स क्वाइट ईजी, अवॉइडिंग में इट्स अगेन अ बिग टास्क फॉर पेरेंट्स। स्ट्रॉ यूज़ सीकिंग में बच्चे ईजिली स्ट्रॉ यूज़ कर लेते हैं, अवॉइडिंग में डिफ़िकल्टी होती है। च्यूइंग और स्वेलोइंग की बात करें तो सीकिंग में इट कैन हैपन ईजिली बट अवॉइडिंग में अगेन प्रॉब्लमैटिक होता है। मशी फूड्स सीकिंग में बच्चे इंजॉय करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन होता है उनका मशी फूड्स पर, अवॉइडिंग में बच्चे प्रॉपरली अवॉइड करते हैं, दे डोंट इवन लाइक कि उन्हें ऐसे कोई फूड आइटम्स मिलें। तो ये थे सेंसरी डिसफंक्शन जो आज हमने डिस्कस किए हैं, पर ऐसे ही नहीं, आज आप सब पेरेंट्स के लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको जो भी आप बच्चों में बिहेवियर्स या सेंसरी इश्यूज आप जो फेस करते हो वो आप कमेंट करो, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेंसरी डिसफंक्शंस पर ऑटिज्म में जो बिहेवियर्स होते हैं उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड डाइट मैनेजमेंट लाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिलें कि आप लोगों को किस टाइप के इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं, ताकि हम उन चीज़ों पर हम ज़्यादा डिस्कस कर सकें। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल। थैंक यू।